जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाकिर अली रायनी की अध्यक्षता में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर रोक को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस जिला कमेटी मुरादाबाद जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुरादाबाद में बहुत से लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हैं। इस चाइनीज मांझे के जाल में आने से पक्षियों की मौत हो जाती है। इस चाइनीज मांझे से लोगों के गले व हाथ कट जाते हैं। कई की पूर्व में गर्दन कट चुकी है और मौत भी हो चुकी है। इस वजह से बिजली का फॉल्ट हो जाने का खतरा भी बना रहता है, जिससे बिजली के उपकरण खराब हो जाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ यह मांग करता है कि जल्द से जल्द इस चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जाए और जहां इस मांझे का स्टॉक है उसे जब्त करके कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में ओमकार सिंह, साजिद अली अंसारी, वसीम अंसारी, शाहिद परवेज अंसारी, जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि आपका शाहिद परवेज अंसारी जी जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी हूँ और लोगों की समस्या को देखकर मेरा दिल बहुत भर आता है कि लोगों की गर्दनें कट रही हैं चाइना मांझे के ज़रिए से और परिंदे के पर कट रहे हैं जो कि बेजुबान जानवर हैं, परिंदे हैं और वो भी मांझे चाइना मांझे का कष्ट का शिकार हो रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे ये मुरादाबाद में सब जगह जहाँ जहाँ ये चाइना मांझा के विक्रेता हैं उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको और उनके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जुर्माना भी जारी किया जाए, जिससे कि जनता की जनहित के लिए सब लोगों की जनहित के लिए सही हो और उन लोगों की मदद की जाए कि बेजुबान क्यों कट रहे हैं, क्यों क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों आम जनता क्यों परेशान हो रही है। बस मैं उन लोगों का दुखी को देख करके मैं बहुत ज़्यादा दुख हूँ और ये मेरी गुजारिश है कि इसको मांझे पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज आप किन्हें ज्ञापन देने आएंगे जी? आप आज आप किन्हें ज्ञापन देने आएंगे? कांग्रेस पार्टी मांझे के दूर चाइना मांझे की तरीके से